चैनल किरण्स किचन व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र हम सब भी खैरियत हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को आज फ़िश फ्राई करना और फ़िश को मैरिनेट करना सिखाऊं। तो यहाँ मेरे पास है फ़िश मैंने यहाँ ली है 1.5 किलो, और मैंने स्किन लेस ली थी, आप लोग स्किन के साथ भी ले सकते हैं। तो मैंने ये देखिए इतने इतने पीसेस के करवा लिए हैं। और मसालों में मेरे पास यहाँ पड़ी है अजवाइन 1 टेबल स्पून, नमक है 1 टेबल स्पून, और ये है गरम मसाला 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और ये सूखा हुआ धनिया ये भी 1 टेबल स्पून। ये सारी चीज़ों का मैंने पाउडर बना लिया था। और ये ज़ीरा है ये भी 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और ये है अजवाइन, ये मैंने बता दिया आपको पहले ही, और ये लहसुन ये भी है 1 टेबल स्पून। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे, और बॉल में मैं यहाँ बेसन डालूंगी। बेसन मैंने छान लिया था। तो बेसन के बाद अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। मसाले मैंने आप लोगों को सारे बताए, ये सारे इसके अंदर जाएंगे। आप लोग चाहें तो फिश मसाला भी जो बाज़ार से मिलता है ना, किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो घर के ही यूज़ करती हूँ। इनको अच्छी तरह मिक्स करें। ये अच्छी तरह मिक्स कर लें, और अब इसके अंदर पानी डालें थोड़ा थोड़ा करके। और मिक्स करते जाएं। पानी और डाल लें। बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करते जाएं। इकट्ठा एकदम सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा। और ये मिक्सर ना तो ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला, ये हमारी फिश के ऊपर ठहरे ही ना। ये देखें अब ठीक है। तो अब मैं इसमें लेमन निचोड़ूंगी, 2 से 3 अदर लेमन निचोड़ दें आप लोग इसके अंदर। लीमू से ये फिश की जो स्मेल होती है ना, ये भी खत्म हो जाती है। मैं यहाँ 3 लीमू निचोड़ूंगी, देखिए। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हम अपना सारा मिक्सर फिश के ऊपर लगाते हैं। फिश को मैंने अच्छी तरह सिरके और नमक, सिरके के अंदर नमक डाल के धो के रखा था फिश को। सिरके से धोने से ना फिश की स्मेल ख़त्म हो जाती है, तो अगर नमक डालें तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो सिरके सिंपल सिरके के साथ भी। तो हम मिक्सर में फिश के ऊपर डाल दें सारा, पहले इतना डाल लेते हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और अब आपने हाथों की मदद से मिक्स करना है, यहाँ कोई चम्मच काम नहीं करेगा। अगर हाथों से लगाएंगे तो अच्छी तरह फिश के अंदर तक लगेगा। तो यहाँ जो दूसरा मिक्सर मेरे पास बचा हुआ था ना, वो भी मैंने इसके अंदर डाला है। ये देखें सारा मैंने मिक्सर अंदर डाल दिया है, ताकि सारी फिश अंदर जाके ना मिक्स हो जाए। ये देखें, और ये देखिए मिक्सर हमारा अंदर एक्स्ट्रा भी है, और ऐसे एक्स्ट्रा होना भी चाहिए। और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी 12 घंटे के लिए क्लिंग पेपर से अच्छी तरह रैप करके, और उसके बाद आप लोगों को फ्राई करके दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने क्लिंग पेपर के साथ अच्छी तरह रैप कर दिया, मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी 12 घंटे के लिए। तो यहाँ जी 12 घंटे के बाद हम देखते हैं कि हमारी फ़िश की क्या सूरत हाल है। तो मैंने 12 घंटे रख दिया था फ्रिज में इसको, आपको जैसे कि बताया था। अगर मैंने रात को रखी है तो मैंने दोपहर को ये निकाली है, अब तो तकरीबन 12 घंटे हो गए थे। तो अब हम देखते हैं कि फ़िश की क्या सूरत हाल है। ये देखें, ये फ़िश ने ना पानी छोड़ दिया अपना, तो ये आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना, अंदर ही रहने दीजिएगा।
तो दूसरी तरफ मैंने पैन लिया था, गहरा सा पैन लिया और उसमें घी डाल दिया, वो भी गर्म हो गया होगा। तो अब हम चेक करते हैं अंदर डाल के, देखें। और यहाँ आप लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है। ये आप लोगों ने फिश रूम टेम्परेचर पे नहीं रखनी, जैसे फ्रिज से निकालनी है ना तो आप लोगों ने फ्राई करने शुरू कर देनी है। तो यहाँ फ्लेम को आप लोगों ने बिल्कुल स्लो रखना है। और ये देखें, ये भी एक साइड से फ्राई हो गई है। तो ये हम देखें, फिश हमारी सारी फ्राई हो गई है। तो देखिए कितना प्यारा इसका कलर, और कितनी जल्दी ये तैयार हो गई है। अरे ये थोड़ा सा बड़ा पीस है इसलिए नहीं निकल रहा, ये देखिए। तो ये देखें जी, हमारी गर्मा गर्म फिश तैयार है। तो अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो जैसे कि सर्दियां आ गई हैं तो मेरी यही कोशिश होती है कि ज़रा हट के चीज़ें के आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँ। तो यहाँ जी मैं आप लोगों को चेक करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। देखें अंदर से बहुत नरम और जूसी है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।